नमस्कार दोस्तों, आई प्रमाण पत्र को लेकर के एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे शासन ने किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पत्र यहाँ पे भेजा गया है अपर सचिव उत्तराखंड शासन के डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव के द्वारा आयुक्त राजस्व परिषद उत्तराखंड देहरादून को कि यहाँ पे सेवा का अधिकार अधिनियम जो 2011 है उसके अंतर्गत अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र जो होता है उसकी वैधता को 6 माह से बढ़ा करके 1 वर्ष किए जाने के संदर्भ में इन्होंने ये पत्र यहाँ पे भेजा। और इनका कहना है कि प्रदेश के नागरिक हैं, उन्हें लगातार इस संदर्भ में कठिनाइयाँ हो रही थी कि जो आय प्रमाण पत्र होता है अक्सर केवल 6 महीने के लिए ही मान्य होता है और इस कारण 6 महीने के बाद उन्हें दोबारा बनाना पड़ता है, तो साल में 2 बार उन्हें आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है यदि उन्हें कोई भी अपना कार्य करवाना होता है। तो उस संदर्भ में यहाँ पे शासन ने निर्णय लिया है और जिलाधिकारियों द्वारा जो आय प्रमाण पत्र की वैधता है उसे 6 माह से बढ़ा करके 1 वर्ष किए जाने की संस्तुति की यहाँ पे कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आय में प्रतिवर्ष परिवर्तन होना, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर आय के साधन कृषि से संबंधित हैं और 1 वर्ष की आय में खरीफ और रबी की फसल से ही आय का आकलन एवं आय की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 31 मार्च तक की जाती है जो कि 1 वर्ष की अवधि से आच्छादित है। तो ये चीज़ यहाँ पे कहना है अपर सचिव का और जो उन्होंने पत्र भेजा है यहाँ पे राजस्व परिषद को, जिसके माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को यहाँ पे निर्देशित किया गया है कि जो आय प्रमाण पत्र बनेगा आगे से वो 1 वर्ष के लिए बनाया जाए, क्योंकि जो फाइनेंशियल जो ईयर होता है 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक होता है और इस संदर्भ में शासन स्तर पर जो विचार किया गया उससे जो निर्णय लिया गया और उस परिप्रेक्ष्य में इन्हें आदेश हुआ है कि प्रदेश में लागू जो सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 है उसके अंतर्गत जो अधिसूचित सेवा आय प्रमाण पत्र की वैधता है उसकी अवधि को 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष बढ़ाए जाने के संदर्भ में जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के दिनांक 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष के अंत 31 मार्च तक वैध होगा के लिए माननीय राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो राज्यपाल महोदय ने इसके लिए स्वीकृति प्रदान की है और इसके अलावा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल संलग्न एक आय प्रमाण पत्र का प्रारूप अपलोड किए जाने हेतु भी आवश्यक कार्यवाही यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आप कभी भी आय प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उस फाइनेंशियल ईयर के अंत यानी उस फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च तक वो मान्य होगा। तो ये यहाँ पे नया बदलाव आया है और ये अच्छी खबर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्हें समय समय पर आय प्रमाण पत्र बनवाना होता है अपने विभिन्न सरकारी कार्यों हेतु। तो अब जो आप आय प्रमाण पत्र बनाएंगे वो मात्र 6 महीने तक सीमित न रह करके अगले वर्ष यानी कि जिस वित्तीय वर्ष में आप चल रहे हैं उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक आपका वो आय प्रमाण पत्र यहाँ पे लागू होगा। तो ये यहाँ पे अपर सचिव उत्तराखंड शासन के द्वारा पत्र भेजा गया है आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को, क्योंकि आप जानते हैं इसके अंडर में ही ये सारे डॉक्यूमेंटेशन किए जाते हैं, सेवा का अधिकार अधिनियम को यहाँ पर क्रियान्वित किया जाता है और अब आय प्रमाण पत्र जो होगा एक पूरे फाइनेंशियल ईयर तक लागू होगा। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी, ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं को हम आप तक समय समय पर पहुंचाते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।